हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। अगर आप कर रहे हैं टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, तो टेट एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं। यहां पर आप रोज 30 घंटे की से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस यहां पर देख सकते हैं, लाइव कोर्सेज के माध्यम से, जो कि सभी जो बड़े एजुकेटर्स हैं, जिन्हें आप जानते पहचानते हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। मेरे कोर्सेज के अलावा आपको बाकी सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो उन सभी के लेक्चर्स आप लाइव देख सकते हैं लाइव कोर्सेज के माध्यम से। और ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ वन टाइम के सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर। तो एक बार का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, और आप इन सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सभी एजुकेटर्स की, जितने भी एजुकेटर हैं, उनके सभी कोर्सेज की क्लासेस को देख सकते हैं। तो यानी कि आप काफ़ी सब्जेक्ट एक बार में तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों, या फिर आपके ई बुक्स हों, नोट्स हों, या लेक्चर रिकॉर्डिंग्स हों, डाउट सेशंस हों, सभी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप प्लान लेने का कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा कोड आपको दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, amit_दीक्षित। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो इस कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि आप 10% का डिस्काउंट सीधा प्राप्त कर सकें। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर आप फ्री कोर्सेज मेरे देखना चाहते हैं, तो unacademy.com जो वेबसाइट है, या फिर लर्निंग ऐप है जो अनअकैडमी का, उस पर अमित दीक्षित आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपको मेरे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इनका भी आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो दोनों ही चीजें कंसिडर कीजिए, नीचे सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं। तो आगे बढ़ाएंगे हमारे आज की लेक्चर सीरीज को, जो कि यहाँ पर चल रही है। ये लेक्चर सीरीज में हम अभी तक जो क्वेश्चन आंसर्स कवर करते आ रहे हैं, हमारे लेक्चर आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 15 है, और यहाँ ये नंबर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, बट ये लेक्चर नंबर 15 है। ओके, 15वें नंबर का लेक्चर है, तो हम आज आगे बढ़ेंगे हमारे 15वें नंबर के लेक्चर के साथ में, और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो पहले के प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं, और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बेहतरीन सीरीज है आपके लिए, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं पहले के, तो चैनल पर अवेलेबल है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें लेक्चर की तरफ। तो पहला प्रश्न आज का लेते हैं, यहाँ पर स्वभाव और पालन पोषण संबंधित है। स्वभाव और पालन पोषण किस चीज से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ए, बाहर व आंतरिक वातावरण से, यानी कि बाहर या आंतरिक वातावरण से। बी, स्वभाव या चरित्र से संबंधित है। तीसरा है शारीरिक, यहाँ पर ये शारणिक हो गया है, तो शारीरिक बनावट है ये, शारीरिक बनावट या चरित्र से, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है यहाँ पर अनुवांशिकता या वातावरण से। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर आप समझेंगे, तो स्वभाव और पालन पोषण जो संबंधित होगा, आप मिलान करें अपने आंसर का, वो होगा डी, अनुवांशिकता और वातावरण से ये संबंधित रहेगा। इन दोनों के ही फैक्टर यहाँ पर इसको प्रभावित करेंगे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज इससे जुड़ती है। आप कनेक्शन को समझने का प्रयास करें और समझें इसको, तो डी इसका आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे जो कि एक बहुत बड़े जाने माने एजुकेशनलिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे हम कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा है, उनके अनुसार शैशवावस्था है ए, औपचारिक संक्रिय काल, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल, और चौथा है संवेदी गत्यात्मक, संवेदी संक्रियात्मक काल। तो पियाजे के अनुसार शैशव अवस्था को हम किस श्रेणी से संबंधित कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताना है आपको। तो आंसर होगा इसका डी, अगर आप गौर से समझेंगे तो इसका आंसर डी होगा। यहाँ पर सेंसेस का उपयोग होता है, और आप यहाँ पर सभी लोग ये जानते हैं कि संवेदी संक्रियात्मक काल में सेंसेस यूज होते हैं, और शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, तो ये उसी से संबंधित होगा। तो डी है इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर न मिलना, तीसरा है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, और चौथा है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो सामाजिक रूप से वंचितों की जो समस्या नहीं है वो होगी यहाँ पर ए, सीखने के लिए प्रेरणा का जो अभाव है वो यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचितों की समस्या नहीं होगी, बाकी कनेक्टेड है बट ये कोई समस्या नहीं है उनकी। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं क्या हैं, आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, मध्य स्थित होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो आंसर इसका जो होगा वो सही होगा ए, आश्रित चर होते हैं विद्यार्थी, हम जानते हैं
आश्रित होंगे ही, कई चीज़ों पर शिक्षकों पर डिपेंडेंट हैं, सामग्री के लिए डिपेंडेंट हैं, माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर शिक्षण प्रक्रिया में हम बात करें तो आश्रित चर विद्यार्थी ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के प्रकार नहीं है? ए मानक, दूसरा है योगात्मक, तीसरा है निर्माणात्मक और चौथा है CCE यानी कि कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए मानक। ये जो है मूल्यांकन का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। योगात्मक, निर्माणात्मक और तीसरा जो है CCE वो होता है, हम जानते हैं। नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है NCF 2005 बल देता है। सो NCF 2005 बल देता है, ये हमारा प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ए समस्या हल करने पर, दूसरा है यहाँ पर करके सीखने पर, तीसरा है रटने पर या चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा इसका एक सिंपल आंसर, करके सीखने पर बल देता है NCF 2005, लर्निंग बाय डूइंग, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो RTE एक्ट ने जो डिफाइन किए हैं वो कितने हैं ये आपको बताना है, 48 घंटे, 45 घंटे या 42 घंटे, 42 आवर्स। आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर 45 आवर्स, यानी कि 45 घंटे एक बताया गया है कि शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे RTE एक्ट में निर्धारित किए गए हैं। अगला है आठवां प्रश्न, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तो आपको वो आयु बतानी है किस पर तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति एक साथ अच्छे हो जाते हैं, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। आंसर इसका होगा 11 वर्ष। इस पर यहां पर तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की जो पावर हो बेहतर काफी हो जाती है, तो ये एक सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए स्नायु मंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, सी एंड्रोक्राइन ग्लैंड एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा यहां पर उपरोक्त सभी, क्योंकि ये बाकी के जो तीनों हैं वो सभी शारीरिक विकास में आएंगे और उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता से अत्यधिक जुड़ा हुआ कौन है? विनम्रता जुड़ी है, मुखरता जुड़ी है, सेकंड मौलिकता जुड़ी है, या इनमें से कोई भी जुड़ा नहीं है। तो अगर सृजनात्मकता से आप जुड़ने की बात कर रहे हैं तो मौलिकता यानी कि एक तरह की जो यूनिकनेस होती है, क्योंकि सृजनात्मकता में जो लोग सृजनात्मक तरीके से सोचते हैं, क्रिएटिव, वो कुछ यूनिक सोचते हैं, तो मौलिकता यहाँ पर जुड़ी हुई है और यही इसका आंसर होगा। तो आज के ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लाइक शेयर करना इनको बिल्कुल मत भूलिए, काफी लोगों के लिए जरूरी होंगे आपके साथ साथ में। अच्छे कमेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर करके बताएं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा वो जरूर दबाइए, और घंटी का बटन उसके बाद जब दिखाई दे तो उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जो अभी तक आगे जो लेक्चर डाले जाएं उनको उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर वन वर्ड सीरीज भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, वो चल रही है, और CTET के लिए स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, तो दोनों ही चीज़ें देख सकते हैं। और AD एजुकेशन के अलावा आप अनअकैडमी पर भी मेरे फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, तो वो भी आप चेकआउट करें। और जो पेड आपको मैंने बताया है कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेकर आप सभी कोर्सेज देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी है। कोड मेरा यूज़ करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप 10% के डिस्काउंट से वंचित हो जाएंगे, तो ये ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा अगर आप सोच रहे हैं तो। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।